पाठशाला एजुकेशन और इसमें हम जो चैप्टर आज करेंगे वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखिए पेयर का मतलब क्या होता है तुम, ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में हम दो इक्वेशंस को लेंगे, उनकी कंपैरिजन के बेस पर हम सॉल्यूशन निकालते हैं। दूसरी बात क्या है, टू वेरिएबल्स का मतलब क्या है गाइस, तो सबसे पहले देख लीजिए, जैसे 2x + 3y प्लस जो है हमारे 4 = 0, इसके बाद 2x + 3y - 5z = 0। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे +3 भी है = 0। तो गाइस देखिए, इस ये जो x है, ये जो y है, इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं हम लोग कोफिशियंट। क्या कहते हैं? कोफिशियंट कहते हैं, क्लियर ना। अच्छा, ये जो हमारे पास 2 है, ये जो 3 है, इन कोफिशियंट के साथ इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं हम लोग दैट इज इसे वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं हम लोग, वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है, और इन्हें क्या कहेंगे, इन्हें कहेंगे हम लोग कोफिशियंट। ठीक है, क्लियर हो गया। इन्हें हम कहेंगे कोफिशियंट और इन्हें क्या कहेंगे, वेरिएबल्स, मतलब जो भी एक्स वाई जेड है। ठीक है, अगर टू वेरिएबल्स है तो इसका हमने कितने वेरिएबल्स यूज कर लेंगे, दो, एक्स और वाई। थ्री वेरिएबल्स होते तो क्या है, 1, 2, 3, क्लियर हो गया, ये हो गया। इसके बाद जो आपको सिंगल, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं मिला है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कॉन्स्टेंट। क्या कहते हैं उसको, कॉन्स्टेंट कहते हैं, क्लियर हो गया। तो ये चीज आपको याद रखनी। इसके साथ साथ हम इसमें जो है कुछ टाइप्स ऑफ लाइंस भी देखेंगे, जैसे कि आपके पास है जो है इक्वेशन ऑफ लाइन, जैसे कि अगर दो लाइन्स आपस में क्या करें, इस तरह से क्रॉस कर दें। ठीक है, क्या कर दें, आपस में क्रॉस कर दें, तो इस तरह की लाइन्स को क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। ठीक है, यहाँ पे पेयर ऑफ लाइन की मैंने पहले बात करी थी, दो इक्वेशन की बात हो रही है, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, इनको अगर हम ग्राफ पे जो है ड्रॉ करते हैं, तो आपस में क्या करनी चाहिए, क्रॉस करनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है आपके पास, दैट इज पैरेलल। क्या होंगी, पैरेलल, दो इक्वेशन आपस में क्या होने वाली, पैरेलल, जो कभी मिलेंगी नहीं, ये क्या हो जाएगा आपके पास, पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, थर्ड आपके पास जो होती है वो कौन सी होती है आपके पास, दैट इज कोइंसिडेंट। क्या होते हैं, कोइंसिडेंट। ठीक है, तो ये आपस में ही क्या है, ओपन रहेंगे, तो ये आपके पास है कोइंसिडेंट। तो ये तीसरी जो है वो क्या आपके पास है, कोइंसिडेंट। ठीक है, तो आपके पास है ये, तो तीन तरह के हमारे पास इक्वेशन हो गए, दैट इज एक तो पैरेलल हो गई है, एक इंटरसेक्टिंग हो गई है, और एक आपके पास हो गया, दैट इज कोइंसिडेंट। ठीक है, अच्छा, अब इसके साथ साथ और जो चीज देखनी है आपने, वो क्या है, इनकी हमारी कुछ कंडीशंस होती है, आप उन्हें देखिए सबसे पहले। ठीक है, वो कंडीशंस क्या क्या होती है देखिए, आप जो इस चैप्टर में आपने समझना वो क्या है आपके पास, कि मैंने बताया था आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करें तो पेयर कैसे होगा, इसमें एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। ठीक है, दो इक्वेशन हमने ले लिए, मान लीजिए इसको मार्क कर देते फर्स्ट इक्वेशन, इसको मार्क कर देते सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसके जो कोफिशियंट है उसको x1 ले लिया, b1 ले लिया, और सॉरी a1 b1 और c1 ले लिया, इसी तरह से इस x की कोफिशियंट को a2 b2 और c2। ठीक है, सॉरी भाई, ये a1 कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। इस क्वेश्चन जब आएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। हालांकि कंडीशन अभी देख लीजिए कि जब भी कभी a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 होता है, तो उस तरह की इक्वेशन को क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग होगी, और एक्जैक्टली वन सॉल्यूशन आएगा। ऑब्वियस ही बात है, दो इक्वेशन आपस में कट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, तो किसी एक सिंगल पॉइंट पर कट करेंगे, तो वो क्या हो जाएगी, इंटरसेक्टिंग हो जाएगी। क्लियर हुआ। दूसरा आपके पास क्या है, अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, जस्ट टेक एन एग्जांपल, एक ले लेते हैं, मान लीजिए आपको दे रखा है 2x + 3x + 1 दे रखा, ठीक है, और यहाँ पे दे रखा आपको दैट इज 4x + 6x और जो है इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो अब ये ध्यान से देखिए, ये दोनों लाइन्स कैसी, ये दो लाइन्स कैसी कोइंसिडेंट होगी, क्यों, क्योंकि अगर मैं इसमें से 2 हटा देती हूँ, ठीक है, अगर 2 हट, एक कॉमन ले लेती हूँ, तो देखिए कॉमन ले लेती हूँ अगर 2, तो यहाँ पे कितना बचेगा 2, यहाँ पे कितना बचेगा 3, यहाँ पे कितना बचेगा 1। तो देखिए दोनों इक्वेशन आपस में कैसी हो गई, इनकी रेशियो हमेशा क्या आएगी, इक्वल आएगी, करके देख लीजिए चाहे तो, अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो देखिए 2 by 3 = 3 by 2 = 1 by 2 1 by 2 रख लिया। अब देखिए यहाँ पे ये सॉरी 4 है यहाँ पे, तो यहाँ पर 6 है और यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो अभी इन्हें डिवाइड करिए, 1/2 आ रहा है, इसको भी डिवाइड करिए, 1/2 आ रहा है, तो देखो 1/2 1/2 1/2। तो इस तरह की इक्वेशन कैसी हो जाएगी आपकी, कोइंसिडेंट होंगी। ठीक है, पैरेलल कैसी होंगी, जिसमें a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 होता है, पर c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं होता, तो उस तरह की लाइंस को क्या कहेंगे, पैरेलल, और उनके कभी भी कोई इक्वेशन सॉल्यूशन नहीं होंगे। कैसे होंगे, देखिए वो आपस में कभी भी मिलेंगे ही नहीं, तो उनके सॉल्यूशन कैसे होंगे, क्लियर हो गया। तो ये चीज है आपके पास। अब हम जो है एक्सरसाइज अपनी, मतलब इसके आगे भी है, हमारे पास काफी सारे मेथड्स हैं, जो आपके पास एलिमिनेशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, वो आगे आते वक्त मैं बताऊंगी, उनका कॉन्सेप्ट भी बताऊंगी, पर अभी हम एक्सरसाइज जो अपनी 3.1 शुरू कर लेते हैं। ठीक है,